दोस्तों, क्या आपने कभी देखी है कछुए की खेती? और क्या आपको पता है कछुए की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए? अगर नहीं पता तो आज हम ऐसे कछुए से आपको मिलाने वाले हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में होती है। दुनिया में ना जाने कितने अजीबो गरीब जीव मौजूद है, जिनमें अनेक खूबियां भी मौजूद है। इन्हीं में से एक जीव है कछुआ। आपको बता दें दोस्तों, ये जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। ये धरती पर करोड़ों सालों से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। कछुआ तब से हमारी धरती पर मौजूद है जब डायनासोर हमारी पृथ्वी पर राज करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, उस जमाने में कछुए इतने बड़े आकार के हुआ करते थे कि ये एक डायनासोर को भी खा जाते थे। दोस्तों, आपने पानी की बारिश होते हुए तो देखी होगी, लेकिन ये कछुआ तो नोटों की बारिश करा सकता है। कछुए से लोगों के रातों रात अमीर बनने की कहानियां समय समय पर सुनने में आ ही जाता है। ये एक ही पल में कंगाल को मालामाल और रंक को राजा बनाने का मादा रखता है। और ये कछुआ है 20 नाखून वाला कछुआ। दोस्तों, कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम वृषण होता है। आपको बता दे, समय के साथ इसकी कई प्रजातियां अस्तित्व में आई और विलुप्त हो गई। कछुओं की सबसे पहली प्रजाति आज से 7 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी। माना जाता है ये प्राचीन प्रजातियां स्तनधारियों, चीड़ियों और छिपकलियों से भी पहले धरती पर अस्तित्व में आ चुके थे। कहा जाता है कि कछुए के दिमाग को इसके शरीर से अलग कर देने पर भी ये 6 महीनों तक जिंदा रह सकता है। कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि इसमें तीखी प्लेट जैसी हड्डी का पार्ट होता है, जो भोजन को चबाने में इनकी सहायता करता है, जिसकी धार बहुत ही तेज होती है। कई बार कछुओं को पक्षियों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। इसके देखने और सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। कछुए रात में भी शिकार कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से रात के अंधेरे में भी देख लेते हैं। ये रंगों को देख सकते हैं और पराबैंगनी किरणों से लेकर लाल रंग तक को देख सकते हैं। इनकी प्रजातियों की अगर बात की जाए तो संसार में लगभग 327 प्रजातियां के कछुए मौजूद है, जिसमें सबसे बड़े समुद्री कछुए का नाम गैलापागोस कछुआ है। गैलापागोस कछुआ लगभग 4 फीट लंबा और 300 किलोग्राम तक भारी होता है। कछुए ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। कछुए की कुछ जातियां विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी 327 प्रजातियां आज भी अस्तित्व में है। इनमें से कई जातियां खतरे में है और उनका संरक्षण करना एक चिंता का विषय है। कछुए को सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाला प्राणी माना जाता है। इसकी उम्र 300 साल से भी अधिक होती है। इसके कवच की बात करें तो कछुए के कवच बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। इसका विकास समय के साथ मौसम की कठिन परिस्थितियों में जमीन के नीचे रहने के दौरान उनकी सुरक्षा करने के लिए विकसित हुआ है। कछुए खतरा होने पर अपने सिर और पैरों को सिकोड़ कर कवच के अंदर छिप जाते हैं। कछुए ठंडे खून वाले जीव होते, ठंड में इनका शरीर जम जाता है और ये चिद निंद्रा में चले जाते हैं। ये अंडों के सहारे नए बच्चे पैदा करते हैं। ये अंडे देने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं ना सूरज की रोशनी ठीक ठाक आ रही हो। वो पहले एक जगह मिट्टी खोद लेती है, फिर अंडे देती है। मादा कछुआ एक बार में करीब 30 तक अंडे दे देती है और 90 से 120 दिन के बीच इनके बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं और अंडों से निकलते ही चलना शुरू कर देती है। हिंदू धर्म में कछुए को घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये कछुआ जिस घर में होता है वहाँ पैसों की कमी नहीं होती। बात करें 20 नाखून वाले कछुए की, तो इसकी बनावट भी दूसरे सामान्य कछुए की तरह ही होती है। इसके बारे में धारणा है कि जिस कछुए की परत जितनी ज्यादा पतली होगी और उसकी खाल जितनी साफ सुथरी होगी, मतलब उसमें किसी प्रकार की खरोंच ना हो, तो उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। कछुए को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है, जिसके संग में माँ लक्ष्मी होती है। जब कछुए पर साधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर पैसों की बारिश करती है। कछुए के पीठ पर जितने रुपए का नोट चिपकाया जाता है, ये उतने ही रुपए के नोटों की बारिश करती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि किसी को दवाई या टीबी की बीमारी हो, इसके मांस खाने से इन बीमारियों में लाभ होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।